हेलो दोस्तों, रेमेडीज इनसाइट में आपका स्वागत है। अगर आप यहां नए हैं, तो सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें और हमारे साथ और अधिक फैंटास्टिक हेल्थ टिप्स के लिए जुड़ जाएं। आज के वीडियो में हम डीआईवाई हीलिंग पर बात करेंगे कॉमन इलनेसेस के लिए। मैं आपको 10 सिंपल होम रेमेडीज के थ्रू गाइड करूंगी जो आप घर पर तैयार कर सकते हैं, जो सब कुछ ट्रीट करेंगी कॉमन कोल्ड से लेकर मसल पेन तक। सो व्हाई होम रेमेडीज? होम रेमेडीज का उसे करके आप नेचुरल और ज्यादातर जेंटलर ऑल्टरनेटिव्स को अपनाते हैं। ये सिर्फ ट्रेडिशन के बारे में नहीं है, ये अपने बॉडी में जाने वाले इंग्रेडिएंट्स को कंट्रोल करने और मेडिकल कॉस्ट्स को बचाने के बारे में है। रेमेडी 1 फॉर कॉमन कोल्ड। इंग्रेडिएंट्स, आपको चाहिए रॉ हनी उसके एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए, ऑर्गेनिक लेमन विटामिन सी के लिए और फ्रेश या पाउडर्ड जिंजर उसकी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के लिए। प्रेपरेशन, 1 कप पानी उबाल लें और थोड़ा ठंडा होने दें। इसमें 1 टेबलस्पून रॉ हनी, 2 टेबलस्पून ताजा निचोड़ा हुआ लेमन जूस और 1/2 टीस्पून जिंजर मिलाएं। बेनिफिट्स, ये मिक्सचर कोल्ड्स को फाइट करने के लिए एक पावर हाउस है। हनी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है, लेमन इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और जिंजर इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। रेमेडी 2 फॉर सोर थ्रॉट्स। इंग्रेडिएंट्स, बस सी सॉल्ट और गर्म पानी, सिंपल लेकिन इफेक्टिव। प्रेपरेशन, 1 कप गर्म पानी लें और उसमें 1/2 टीस्पून सी सॉल्ट मिलाएं। दिन में कई बार इसे गार्गल करें। बेनिफिट्स, सॉल्ट बैक्टीरिया को मारता है और इन्फ्लेमेशन और दर्द को कम करता है, आपके सोर थ्रोट को जल्दी से सूथ करता है। रेमेडी 3 फॉर अपसेट स्टमक। इंग्रेडिएंट्स, ताजा पेपरमिंट लीव्स जो आसानी से मिल जाती है और बहुत इफेक्टिव है। प्रेपरेशन, पानी उबाले, लगभग 10-15 ताजा पेपरमिंट लीव्स डाले और उन्हें 10 मिनट के लिए स्टीप होन दे, छान कर गरम चाय की तरह पी लें। बेनिफिट्स, पेपरमिंट स्टमक मसल्स को रिलैक्स करता है और बाइल फ्लो को इम्प्रूव करता है, जो डाइजेशन में मदद करता है और गैस और ब्लोटिंग को रिलीफ करता है। रेमेडी 4 फॉर हेडेक्स। इंग्रेडिएंट्स, लैवेंडर एसेंशियल ऑयल जो अपनी कामिंग प्रॉपर्टीज के लिए जानी जाती है, और कैरियर ऑयल जैसे कोकोनट या स्वीट आलमंड ऑयल ISE डाइल्यूट करने के लिए। प्रेपरेशन, लैवेंडर ऑयल के 3-4 ड्रॉप्स को 1 टेबलस्पून अपनी पसंद का कैरियर ऑयल के साथ मिक्स करें। ये मिक्सचर को जेंटली अपने टेम्पल्स और गर्दन के पीछे वाले हिस्से पर मैसेज करें। बेनिफिट्स, लैवेंडर ऑयल मसल टेंशन को कम करता है और स्ट्रेस रिलेटेड हेडेक्स को रिलीव करता है। रेमेडी 5 फॉर एक्ने। इंग्रेडिएंट्स, टी ट्री ऑयल जो अपनी एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज के लिए जानी जाती है, और प्योर वाटर या एलोवेरा जेल सूदिंग इफेक्ट के लिए। प्रेपरेशन, एक डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बनाएं बाय मिक्सिंग 1 पार्ट टी ट्री ऑयल विद 9 पार्ट्स वाटर या एलोवेरा जेल। इस सॉल्यूशन को इफेक्टेड एरिया पर कॉटन पैड की मदद से लगाएं। बेनिफिट्स, टी ट्री ऑयल पोर्स को क्लेंस करता है और बैक्टीरिया को मारता है जो एक्नी कॉज करता है, जबकि एलोवेरा रेडनेस और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। रेमेडी 6 फॉर इंसोमिया। इंग्रेडिएंट्स, शेमोमाइल फ्लावर्स जो उनके नेचुरल सेडेटिव प्रॉपर्टीज के लिए जाने जाते हैं। प्रेपरेशन, पानी उबाले और उसमें 1 टेबलस्पून सूखे शेमोमाइल फ्लावर्स डालें। ढककर 10 मिनट तक स्टीप करें, फिर छान लें। सोने से 30 मिनट पहले ये चाय पी लें। बेनिफिट्स, शेमोमाइल में एपिजिनिन होता है, एक एंटीऑक्सीडेंट जो ब्रेन में कुछ रिसेप्टर्स से बाइंड करता है स्लिपिनेस प्रमोट करने और इंसोम्निया को रिड्यूस करने के लिए। रेमेडी 7 फॉर एंजाइटी। इंग्रेडिएंट्स, ताजा लैवेंडर या लैवेंडर एसेंशियल ऑयल। प्रेपरेशन, टी के लिए सूखे लैवेंडर फ्लावर्स का उसे करें। पानी उबाले और उसमें 2 टीस्पून सूखे फ्लावर्स डाले, 10 मिनट के लिए स्टीप करें। अरोमाथेरेपी के लिए लैवेंडर ऑयल को अपने लिविंग स्पेस में डिफ्यूज करें या अपनी कलाइयों पर थोड़ा लगाएं। बेनिफिट्स,
लैवेंडर एंजाइटी को कम करने और दिमाग को शांत करने में माहिर है। ये दिन भर में या स्ट्रेसफुल इवेंट से पहले उसे करने के लिए परफेक्ट है। रेमेडी 8 फॉर डैंड्रफ। इंग्रेडिएंट्स: कोकोनट ऑयल और लेमन जूस। प्रेपरेशन: 2 टेबलस्पून्स कोकोनट ऑयल को इक्वल पार्ट्स लेमन जूस के साथ मिक्स करें। इस मिक्सचर को अपने स्कैल्प पर लगाएं, जेंटली मसाज करें और लगभग 20 मिनट बाद शैम्पू से धोएं। बेनिफिट्स: कोकोनट ऑयल स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है और लेमन जूस पीएच लेवल्स को रेगुलेट करके डैंड्रफ को इफेक्टिवली कम करता है। रेमेडी 9 फॉर नोज कंजेशन। इंग्रेडिएंट्स: यूकलिप्टस ऑयल और गर्म पानी। प्रेपरेशन: 1 बेड बॉल में गर्म पानी डाले और उसमें कुछ ड्रॉप्स यूकलिप्टस ऑयल डाले। बॉल के ऊपर और अपने सर के ऊपर एक टॉवल डालकर स्टीम को 5-10 मिनट तक इनहेल करें। बेनिफिट्स: यूकलिप्टस ऑयल में सिनियोल होता है जो इन्फ्लेमेशन को कम करता है और नेजल कंजेशन को क्लियर करता है। सांस लेने में आसानी होती है। रेमेडी 10 फॉर मसल पेन। इंग्रेडिएंट्स: एप्सोम सॉल्ट्स जो उनके हाई मैग्नीशियम कंटेंट के लिए जाने जाते हैं। प्रेपरेशन: अपने बाथटब में गर्म पानी भरे और उसमें 2 कप्स एप्सोम सॉल्ट्स डाले। कम से कम 15 मिनट के लिए इस पानी में सोक करें। बेनिफिट्स: एप्सोम सॉल्ट्स में मैग्नीशियम मसल कॉन्ट्रैक्शंस को रिलैक्स करता है और दर्द को रिलीव करता है। ये स्पेशली वर्कआउट के बाद सो मसल्स को सूथ करने के लिए बेनिफिशियल है। आज हमने कोल्ड से लेकर एक्ने तक के लिए कई इफेक्टिव और नेचुरल रेमेडीज कवर की है। ये रेमेडीज माइल्ड सिम्टम्स के लिए वंडरफुल है और अक्सर रिलीफ प्रोवाइड करती है। However, अगर सिम्टम्स persist या worsen होते हैं तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट करना क्रूशल है। अगर आपने इनमें से कोई भी ट्राई किया है या और रेमेडीज शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट्स में जरूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले फॉर मोर टिप्स। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन और हेल्दी रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।